जिनके गाए गीतों पर हम सब नाचे हैं, झूमे हैं, मुस्कुराए हैं और आंसू बहाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की। लास्ट वीक लता मंगेशकर और लता दीदी, एज शी इज फॉन्डली कॉल्ड बाय वन एंड ऑल, टर्न्ड 90। शी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स, नॉट जस्ट फॉर हर रेपर्टॉयर ऑफ म्यूजिक फ्रॉम फिल्म सॉन्ग्स टू भजन्स और गजल्स, नॉट जस्ट फॉर बीइंग द सिल्कन वॉइस ऑफ शर्मिला टैगोर, श्रीदेवी, मधुबाला टू काजोल एंड माधुरी, नॉट जस्ट फॉर गिविंग अस अनफॉरगेटेबल मेलेडीज, बट इफ देर इज वन अनसरपासेबल अचीवमेंट ऑफ हर्स दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एट द समिट दिस ईयर, इट इज द क्लासिकल दैट शी ब्रॉट इन टू द पॉपुलर। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज स्टेलर वोकलिस्ट राधिका चोपड़ा, सुनंदा शर्मा एंड कौशिकी चक्रवर्ती टू प्रेजेंट एन ओड टू लता मंगेशकर, तुम जियो हजारों साल, वाइल वी ऑल डाइव डीप इन टू द ट्रेजर्स ऑफ हर सॉन्ग्स। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट को फाउंडर ऑफ इंडिया म्यूजिक समिट माला सीकरी टू टेक दिस सेशन फॉरवर्ड। लास्ट वीक लता जी टर्न 90। शी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स, नॉट जस्ट फॉर हर रेपर्टुआर ऑफ म्यूजिक, एंड इफ देयर इज वन अनसरपासेबल अचीवमेंट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग एट द समिट दिस ईयर, as Richa said earlier, it's the classicality, if I can use that word, that she brought to the popular. Even big great classical artists have acknowledged her contribution, and I've personally heard a lot of them say what she can do and the nuances that she creates in her music is not something that we can ever hope to do. I have this glamorous panel today, and I'm feeling really sort of half jealous and totally out of my depth. Kaushiki, Sunanda, Radhika, three of my favorite women in this, not just musically but as individuals. All three of them graciously agreed to do this, and when I spoke to each one individually, they all said that this is something that we've been waiting to do. This is something, she is somebody who we've all learned from and have taken inspiration from. And I know Radhika speaks really articulately about this. I've told Radhika to not speak very difficult Urdu because I will not understand. But she's threatened आप जानती हैं कि जब मैं जब मुश्किल उर्दू बोलती हूँ तो साथ साथ हर लफ्ज़ का मतलब भी समझाती हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इतना सुंदर बोलती हैं कि बहुत शुक्रिया, मुझे और कुछ आता नहीं है इसलिए मैं सिर्फ बोलती हूँ। नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट ट्रू। काश आपकी तरह गा सकती, अरे सिर्फ बात करनी आती है। आई लव दिस कॉन्वर्सेशन। जी Radhika, you've talked of this often. When I see your concerts, you explain, and sometimes and I really appreciate it when Radhika says ki ye Lata ji ne aise gaya tha lekin main aise nahi ga sakti isko, maine isko change karke gaya to make it simpler. I think that's such a huge thing for an artist to admit it. I am a very very honest person, very honest. Sachai yahi hai. सबसे पहले ख़वातीनों हज़रात, आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं अपनी मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, और मेरी एक बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट मेरे साथ स्टेज पर बैठी हैं, कौशिकी चक्रवर्ती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनंदा बहुत प्यारी दोस्त हैं, थैंक यू सो मच, अपने फ़न की माहिर हैं। थैंक यू। कौशिकी को मैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहती हूँ। हिंदुस्तान में अगर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है तो वो कौशिकी चक्रवर्ती है। क्या बात, थैंक यू, रियली ऑनर। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू। लता जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतनी अजीम शख्सियत हैं ख्वातीनों हजरात, कि मैं अपनी ज़ुबान से उनका नाम लेते हुए भी हिचकिचाती हूँ। आई फील आई एम टू स्मॉल, मैं इतनी नाचीज़, इतनी नाकाबिल हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती का नाम लेना भी मेरी औकात नहीं है। लेकिन चूँकि हम बात उनकी कर रहे हैं तो नाम तो लेना पड़ेगा। लता जी मेरे लिए माँ सरस्वती का रूप नहीं है,
लता जी मेरे लिए साक्षात माँ सरस्वती हैं. क्या बात. वो रूप नहीं है, वही माँ सरस्वती हैं. माँ सरस्वती अगर होंगी तो ऐसी होंगी, ऐसी ही दिखती होंगी, ऐसी ही सफ़ेद साड़ी पहन के बिल्कुल यूं ही लगती होंगी. मेरे लिए वो माँ सरस्वती हैं. लता जी मेरे लिए एक घराना है, लाइट म्यूजिक का एक घराना है. शी इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हरसेल्फ. मैं हर लाइट म्यूजिक गाने वाले को कहती हूँ कि अगर आप लता जी को सुन लें, गौर से सुन लें, ध्यान से सुन लें और ज़रा सी कोशिश कर लें उनकी तरह उस गाने को, उस नगमे को निभाने की, हाफ द बैटल इज़ वन. लता जी मेरे लिए एक मिस्ट्री भी हैं. मिस्ट्री इसलिए है कि अगर हम दो लाइन भी गाते हैं तो हाथ भी हिलते हैं, चेहरा भी कुछ, चेहरे पे भी भाव आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं. लता जी परहैप्स इज़ दी ओनली आर्टिस्ट कि जब वो गाती हैं तो डायरी हाथ में है, चश्मा है, सफ़ेद साड़ी है, एक चोटी है, चेहरे पे कुछ भी नहीं है और गले से शहद टपक रहा है, रस बरस रहा है, भाव, इमोशंस ऐसे बरस रहे हैं, इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है इम्पॉसिबल है. सो शी इज़ अ मिस्ट्री फॉर मी कि ऐसे कैसे हो सकता है. और मैं पर्सनली जब लता जी का गाना सुनती हूँ, आई लुक फॉर द इंट्रिकेट एम्बेलिशमेंट्स. फिलिग्री जैसे होता है ज्वेलरी में, फिलिग्री वर्क, वो फिलिग्री काम करती हैं गाने में. छोटे छोटे जो कण लगाती हैं, छोटी छोटी जो बात कहती हैं, हर लफ्ज़ को वो जिस तरह से कह जाती हैं. और वो सिंगल टेक गाने हैं, बिल्कुल एक टेक में. दैट्स ट्रू. तू चंदा मैं चांदनी, रेशमा शेरा का गाना, एक टेक में, इम्पॉसिबल. सत्यम शिवम सुंदरम, इम्पॉसिबल. सो लता जी मेरे लिए क्या है इसका अंदाज़ा आप इस बात से ज़रूर लगाएंगे, मैं जब भी मुंबई जाती हूँ, मैं सिद्धि विनायक पे माथा टेकती हूँ, मैं हाजी अली पे माथा टेकती हूँ और मैं लता जी की जो बिल्डिंग है प्रभु कुंज, उस पे पेडर रोड पे जाके ज़रूर माथा टेकती हूँ. वाह क्या बात. वो मेरे लिए मंदिर है. फैंटास्टिक. थैंक यू राधिका. सुनंदा, वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस कि आपके लिए, यू नो, ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू, व्हेन आई टॉक टू यू, यू वर सो एंथुजियास्टिक अबाउट दिस सेशन, सो व्हाई डोंट यू शेयर योर थॉट्स. नमस्कार. जो भी संगीत से जुड़ा है, भारत नहीं पूरे विश्व में जो भी संगीत से जुड़ा है, वो लता जी की आवाज़ से ज़रूर जुड़ा है. लता जी की आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट की रेजोनेंस भी उसमें सुनाई देती है. शहनाई के साथ उनकी आवाज़ सुन लीजिए, बांसुरी के साथ उनकी आवाज़ सुन लीजिए, इतने सारे आयाम उनकी आवाज़ में हैं. एक सच्चा सुर जिसकी हम यहाँ बात करते हैं. बिल्कुल सही कहा. लता जी की आवाज़ ने उत्कृष्ट आयामों का स्पर्श किया है. जो सबसे ऊंचे आयाम होंगे, सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स होंगे सुर के, उसको उन्होंने स्पर्श किया है. उनको सुनना अपने आप में अलौकिक जगत को महसूस करना है. प्रेम, विरह, खीज, उलाहना, श्रृंगार, नटखटपन, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, यारा सीली सीली, एक एक गाना जो है मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि जैसे एक ख्याल की बंदिश अपने आप में परिपूर्ण होती है, एक ठुमरी अपने आप में परिपूर्ण होती है, वैसे लता जी का एक गाना. बनारस का एक दादरा है, ठाड़े रहो बांके यार, गगरिया में घरे धरे आऊं, गगरिया धरे आऊं, चुनरी पहरी आऊं, कर आऊं सोला सिंगार. तो सोला सिंगार यहाँ से शुरू होता है, सिंदूर है, बिंदी है, बिंदी है, सिंदूर है, तेल है, झुमका है, गले में पहनने वाला हार है, कंगन है, अंगूठी है, मेहंदी है, चूड़ी है, आलता है, बिछिया है, पायल है. ये सोला श्रृंगार ठुमरी में अगर बता सकते हैं तो लता जी ने ठाड़े रहियो वो बांके यार में भी दिखा दिया.
तीन या चार मिनट में उसी में चुनरी पहर में आऊं मैं कर आऊं सोलह श्रृंगार वो सारा दिखा दिया। तो जब हम ठुमरी की बात करते हैं, ठुमरी हम गाते समय एक एक श्रृंगार को सोचते हुए एक एक बोल जब बनाते हैं, तो लता जी ने कैसे उसमें 3 मिनट में वो सारा श्रृंगार भर दिया, अचरज की बात है, बड़े अचरज की बात है। एक बात मुझे और ध्यान में आ रही है, जब संगीत की उत्कृष्टतम बात हम करते हैं तो माइथोलॉजी से हम जुड़ते हैं जब, तो भगवान विष्णु से भरत जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं, तो उन्होंने बोला नाहम वसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मत भक्ताम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारदः। और वो गाना अगर लता जी का है, जहाँ वो गाती हैं वहाँ अमृतत्व ज़रूर निवास करता है। और उनके 90 साल पे हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, आपने हमें शामिल किया है, ये हज़ारों साल उनकी आवाज़ ऐसी ही गूंजती रहेगी। हम सबकी दिली दुआएं और हमारे सुर उनको समर्पित हैं उनकी पूजा में, उस देवी की पूजा में। थैंक यू सुनंदा। कौशिकी, नोबडी इन दिस कंट्री, देयर इज़ नोबडी हु हैज़न्ट फॉलोड हर म्यूज़िक, यू फॉलोड हर म्यूज़िक, यू, व्हाट आर योर थॉट्स? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सुनंदा जी और राधिका जी ने इतनी खूबसूरती से कहा है, मुझे इतनी अच्छी तरह से बात करनी नहीं आती ऑनेस्टली, क्योंकि हमें आपकी तरह गाना नहीं आता। और आपने जो मेरे बारे में कहा मैं उसको मतलब सब कुछ तो आपको नहीं आएगा ना, हमें सिर्फ बात करनी आती है जी। तो इसके आगे शायद मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और राधिका जी को एक तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने आशीर्वाद किया मेरे गाने को, वो सबसे बड़ी बात होती है। और लता जी के बारे में मैं कुछ बोलूं, सच में मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं यहाँ बैठ के ऐसा कुछ भी बोलूं जो आप वहाँ पे जो बैठे हुए वो ना बोल सके। हम सब उनको हमने पूजा है, उनके गाने को नहीं, उनके पर्सनालिटी को नहीं, उनके जीवन को नहीं, उनके आइडियोलॉजी को नहीं, सब साथ में लता मंगेशकर द फिनोमिना। और हम शास्त्रीय संगीत, राग संगीत जो गाते हैं, हम गुरुओं के नाम बोलते हैं कान पकड़ते हैं, मुझे लगता है लता जी का नाम बोलते वक्त भी कान पकड़नी ही चाहिए, क्योंकि वो इतने इतने तरह से, इतने मायने से हमारे गुरु हैं। क्योंकि मेरे गुरु जी, गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की एक लाइन है, बंगला में है लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट करूँ तो इट सेज, द लाइन इज गुरु बोले कारे प्रणाम कुर्बी मोन, मतलब आप गुरु किनको बोल सकते हैं, आप गुरु बोल के आप किनके सामने जाके सर झुकाते हैं। तोर ओतीत गुरु, योर पास्ट इज योर गुरु, तोर पोथिक गुरु, आपके साथ जो चल रहे हैं वो आपके गुरु है। तो गुरु सब है हमारी ज़िंदगी में, जो हमको जितना सिखा के जाते वो हर एक इंसान हमारे लिए गुरु होते। तो लता जी इन मैनी वेज हम सब के गुरु रहे हैं, हम जिन्होंने हमने जो लोग हम गाते हैं उनके लिए, और जो नहीं भी गाते लेकिन गाने से कनेक्ट करते हैं दिल से, उन सब के दिल में उनकी जगह गुरु की जगह है। और मैं इतनी छोटी हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए कि मैं जो भी बोलूँ लगता है कि मैं अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोमिना कॉल लता मंगेशकर। सो इट्स नॉट adding anything to the phenomena that she is, it's adding a lot of glory to myself as a performer, as a student of music, as a listener, as a worshipper, to even talk about her. So I think it's our honor as a country, and it's our, we are blessed to be in a time, to live in a time where she is singing, she is there. Absolutely. And we could hear her, and I have been extremely fortunate, blessed, everything sounds very small, that multiple times I've met her, and every such experience has been, as Radhika ji has said, meeting a god. Every single time I've met her, I've met a goddess. And I've met my goddess, I've met the goddess that I've always worshipped, and to be blessed by her is, I can very happily say that Ma Saraswati ki aashirwad kaise feel hoti hai, I kind of know it a little bit. So that's the kind of feeling. And about her music,
As Mala ji has introduced this session, saying that the classicism, to be very honest, as a student of classical music, I really don't know why we call a certain kind of music classical music and not the other kinds. Why do we call it light music? What is so light about it? And what is not so heavy about it? What is so easy about it? And what is not so serious about it? What makes it light? I really don't know. Maybe being enlightened means light music. Maybe, you know, what we do... Well said, well said. Very well said, yes. And maybe what we do in a 45 minutes, in an hour rag presentation, she does it in 3 minutes. 3 minutes, absolutely. So I really don't know that whether classicism can be confined to a certain form or classicism is something that you strive for in music, in absolutely. Any kind of music, irrespective of the genre that you're singing or represent. I think classicism is something that one wants to achieve, and classicism is something that Lataji personifies. So, wonderful. Thank you, Kaushiki. Coming back to you, Radhika. I think there are many examples. You've taken inspiration and you sing a lot of songs. I try to. You try to sing. Not that I can, but I do try to. We are very modest today. all of us who are great fans of yours don't agree. Of course, you can't, you know, that's not... नहीं, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता. देखिए, दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ. But बहुत सारे यहाँ पे fans आपके बैठे हुए हैं, तो ऐसे मत कहिए आप. I want you to give me a few examples where you feel it's difficult to reach what she's done and you tend to do it in your own way. Examples, तो जैसे मैंने कहा कि I talked about this particular song, तू चंदा मैं चांदनी. I don't think anyone else on this earth can sing that song in one take the way she has done it. एक उनका और गाना है जो मुझे लगता है, फिर मैं शायद कौशिकी पे आ रही हूँ, शायद लता जी के बाद अगर उसे कोई गा सकता है तो वो कौशिकी चक्रवर्ती हैं. मनमोहना, बड़े झूठे, क्योंकि उसमें एक वो जो तीन आवर्तन की छूट की तान लेती हैं जयजयवंती में, वो शायद सिर्फ इनके बस की बात है. बहुत से ऐसे गाने हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आई ट्राई टू लिसन टू हर वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न सर्टन थिंग्स. कुछ छोटी छोटी बातें वो ऐसी कह जाती हैं, छोटी मुर्की, छोटा खटका, जैसे कि फंसा दिया आपने मुझे. जैसे कि जैसे अभी वो उनका गाना चल रहा था, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से. इसमें वो कहती हैं, हमको मिली है आज. वाह वाह, क्या बात, क्या बात. बस ये इतना मेरे लिए काफी है. इतना सुन लिया और इतना अगर कहने की कोशिश कर ली. या जैसे एक उनका बहुत गाना मुझे बहुत पसंद है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके सबा, बनके कले. ये जो वो कहती हैं ना, इससे जो वो कली, वाकई एक कली लगती है, वो फूल नहीं है, वो कली है. बनके कले बनके सबा बागे वफा में. वाह 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 वाह, मैं चीजें उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ. क्या बात है, शुक्रिया. और जैसे मैंने कहा कि जो वर्सटैलिटी की बात है, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं. मुझे एक्चुअली मन ही मन शर्म भी आ रही है कि आपने हमें कहाँ बिठा दिया है माला. हम इस काबिल थोड़ी हैं कि हम लता जी के बारे में बात कर सकें. दिस इज माय ग्रीड फैक्टर. वो आप मुझसे अकेले में कमरे में आके सुन लेती. नो रियली, हम लोग इस काबिल नहीं हैं. और जब मैं वर्सटैलिटी की बात करती हूँ तो मैं सुनती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ कि एक तरफ वो कहती हैं, ओ सजना बरखा बहार आई
रस की फुहार लाए, अखियों में प्यार लाए, ओ सजना। वही कहती है, बाहों में चले आ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, बाहों में चले आ। कैसे कैसे हो सकता है कि एक ही आवाज़ है जो अल्लाह तेरो नाम गा रही है, जो बयाना धरो गा रही है, और वो फिर बाहों में चले आ भी ऐसे गा रही है कि हमारा भी जी चाहे कि उनकी बाहों में ही चले जाए। क्या फैंटास्टिक, दैट डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। शुक्रिया। अमित जी बैठे हैं, अमित जी आप तो उन खुशकिस्मत लोगों से हैं, लोगों में से हैं जिन्होंने उन्हें देखा भी है, उनके साथ वक्त बिताया है और उनके साथ गाने रिकॉर्ड किए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं आप, 25 से 30 गाने आपने उनके साथ रिकॉर्ड किए हैं। वाह वाह, आपको प्रणाम, अमित खन्ना जी को प्रणाम। सुनंदा, यू आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस क्वाइट अ बिट एंड आई नो दैट यू हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम हर म्यूजिक दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। मैं सच में राधिका जी कौशिकी, आपने जो बात कही वही बात मैंने कही, वो बात हमने महसूस करके कही। उनके संगीत को गाकर बताना सचमुच, बोलते हैं ना कि वो एक बड़ा एक गलती है, गुस्ताखी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। उनके संगीत को बहुत कुछ है, सिर्फ आवाज़ नहीं है, वो बहुत एक व्यक्तित्व है। कितने जन्मों का असर आया होगा तब वो बनी होंगी, तो वो जन्म जन्म का बन के ये निचोड़ हमारे सामने आया है। तो उनकी चीज़ को गाना एक मुश्किल बात है। मैं एग्जांपल अपना संगीत जो मैंने बचपन से जो रियाज़ करने की कोशिश की, उसमें मैं लता जी की जो एग्जांपल्स क्या है, उनकी इंस्पिरेशन लेती रही हूँ हमेशा, कि कैसे वो हर चीज़ को, उसी बात को जो कि एक ख्याल में कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ी ठुमरी में कहा जा रहा है, कैसे वो एक गाने में उस बात को धीरे से कह जाती हैं और वो 100% खनक के साथ कह जाती हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी। और मैंने खासकर ठुमरी सीखते समय, जब मैं सीख रही थी अपा जी से बनारस में, तो अपा जी ने भी एक दादरा मुझे सिखा रही थी, गंगा रेती पे बंगला छवा द मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। तो उसमें उन्होंने बोला, बेटा इसी धुन पर ये गाना बना जो लता जी ने गाया। तो अपा जी उनसे बड़ी थी, तो उनका नाम जी भी नहीं लगाती थी क्योंकि बड़ी बहन मानती थी अपा जी को। तो वो गाना मैं एक एग्जांपल, जब मैं अपा जी ने मुझे वो दादरा सिखा रही थी, तो साथ में उन्होंने उस गाने की एग्जांपल मुझे दी थी कि ये दादरा जब तैयार करोगी तो सुनना साथ साथ में। तो गुरु लोग जो हमारे गुरु लोग हैं, किस तरह से उनको करते हैं, तो मैं बताती हूँ। शीशाप दीजिएगा। दादरा है बनारस का और उसी में फिर वो गाना, गंगा रेती पे बंगला छवा द मोरे राजा, छवा द मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। गंगा रेती पे बंगला छवा गंगा रेती पे बंगला छवा द मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना। ये अलाउड नहीं है लता जी के गाने में जो मैंने अभी किया, वो दादरा चल रहा था,
वो सेटल ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला हो ढूंढो ढूंढो गंगा रेती पे बंगला छवा रेती। तो इनको गूंथ के उन्होंने मुझे सिखाया था जब मुझे वाह क्या बात है फैंटास्टिक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कौशिकी हाँ जी शी नोज व्हाई आई एम स्माइलिंग एंड आई नो व्हाई शी इज स्माइलिंग नहीं एक्चुअली मैं सही में बोलना चाहती हूँ कि लता जी के गाने ना मैं सच बोलती हूँ कि उनके सामने मैंने गाया है कई बार मतलब वो इंसान फंस जाता है ना तो मतलब भागने के लिए भी जगह नहीं बचती है और आप स्टेज पे होते हैं और ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे मसीहा ऐसे इंसान ऐसे पर्सनालिटीज़ वो आगे बैठ जाते हैं आ जाते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उनको सुनाएं लेकिन आप मन ही मन ये भी जानते हैं कि आपके पास उनको सुनाने लायक कुछ नहीं है तो ऐसे कई बार हुआ है उनके सामने मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी गाने के लिए बोले मैं वो भी बेसुरी गाऊंगी गारंटीड लेकिन मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू मैंने कहीं ये सुना है कि आप लता जी के सामने गा रही थी और लता जी रो रही थी आपका गाना सुन के A huge round of applause, ladies That's and gentlemen. That's a big blessing. That's a big blessing. So, is that true? I really don't know how to say yes or no to it. Please say yes. Because I've heard this and I know. I think somebody who has sent me to this, to the purpose of serving music has blessed me a lot. Yes. And this is one of the blessings that's very difficult to put in words. But I can say that, you know, I'm a very small particle in this big framework of serving a great cause. And of course, thanks to my family, my parents, my father, and of course, the blessings and that the blessings that you live every day takes me to different places and to different situations where things happen. And after you leave that place, you would want to believe that it just happened, but it feels like a dream. And I think I would let it be a dream-like feeling. Yes, things have happened, and the incident that you're mentioning, it did happen. Yes. But I would like to strongly believe that ye mera khwab tha, aur waisa hi rahega. It's as beautiful as a dream. When some dreams, you see it happen, it sometimes loses the subtle divinity in that dream when it becomes a reality. So I let that be a dream. And yes, I've met her few times and I've been extremely blessed. Unhone itne pyar se, unhone apne haathon se mujhe katori mein poha bhi khilaya hai. Wow, wow. Aur unke samne baith ke maine unko, you know, I'm a Bengali who have been loved a lot in Maharashtra for my music, but I turned a Maharashtrian thanks to Lataji because the entire repertoire of Maharashtrian songs, Marathi songs that I know are all her Marathi abhangs. So she must have heard from somewhere, kahin pe. Wo, she's very updated. She's very good with gadgets. Yes. Wo photography pe unko bahut shauk hai. So you know, right. She has very tech savvy. So she edits photos and does all sorts of filters and all that. She's very good at it. To wo YouTube mein bahut regular hai. तो वो यूट्यूब क्लिप्स सुनते रहते हैं तो उन्होंने कभी मेरा एक मराठी अभंग सुना था द डे आई मेट हर फर्स्ट आफ्टर द कॉन्सर्ट शी सेड सुंदरते ध्यान मुझे सुनाओ और उनके सामने बैठ के उनको सुंदरते ध्यान सुनाना मेरी आवाज़ ऐसे 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 हिल रही थी बट आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी दैट उनके कान में जो जो आवाज़ जाती है वो गाड़ी के हॉर्न वॉर्न के साथ उसमें कहीं पर मेरी आवाज़ भी थोड़ी 5 सेकेंड के लिए गई है दैट्स बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर माई म्यूजिक बिग ब्लेसिंग So, I'll sing 2 lines of Sundarati Dhyan. Ta Sundarati Dhyan Ubhe Vitivari Sundarati Dhyan Ubhe Vitivari
रहते ध्यान ये हम सब बात कर रहे हैं ना छोटे छोटे जगह के लिए वो जिसमें खटकाएं नहीं भी है सिंपल सुर है वो भी जैसे लगा जाती है वो भी हमको नहीं आता वो सुर है सुन के लगता है कि बड़ा आसान सा चीज़ है हम कोशिश करेंगे कुछ तो आएगा लेकिन वो नहीं होती कभी सुंदर ते ध्यान उभे वेटेवरी 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 कर कटावरी ठे बुनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान क्या बात है फैंटास्टिक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिकॉज वी आर रनिंग लेट एंड आई दिल भरा नहीं बट वी आर रनिंग लेट सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बाय आस्किंग राधिका टू सिंग हर फेवरेट देखो फेवरेट तो बहुत मुश्किल है अच्छा जो आपके दिमाग में अभी आ रहा है एक अब इस तरह का गाना सुनने के बाद फिर गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है टू एंड आप क्यों मुझे मुश्किलों में डाल रही हैं आई लव पुटिंग यू इन दिस वी ऑल विल सिंग वी ऑल विल जॉइन एवरीबॉडी विल जॉइन दो दो तीन लाइन सुनाती हूं हालांकि कौन सा ऐसा गाना है जो कि फेवरेट नहीं है 20-30 लाइंस लेकिन डोंट वी वांट 20-30 लाइंस नो 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 नॉट एट ऑल यू कांट लेट डाउन एन ऑडियंस गाना जो मेरा बहुत 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 फेवरेट है ऑल टाइम फेवरेट फिर वही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सा गाना फेवरेट है उसकी मैं दो तीन लाइनें सुनाने की कोशिश करती हूँ अब आप दे रहे हैं तो दे दीजिए जरा बी फ्लैट माइनर मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें देखती कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ अगर तुम हो सावन मैं जल छूके पर में बने धूल चंदन तुम्हें छूके पर में बने धूल चंदन तुम्हारी महक से महकने लगे तन महकने लगे मेरे पास आओ मेरे पास आओ गले से लगाओ पिया और तुमसे मैं क्या मांगती हूँ तुम्हें देखती Shukriya. Thank you, Radhika. What an amazing song to end this session on. Thank you, Kaushiki, Sunanda, Radhika Chopra. Ladies and gentlemen, give them a huge round of applause.